हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि वो आपके लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं। तो यहाँ पे रखी हैं तीन पाइल्स, ऑरेंज, पिंक एंड वाइट। आपको इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ओके, और इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करके आप उसकी रीडिंग सुनोगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में। बिल्कुल शांति मन से सोचिए और इन तीन पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप पूरा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे वीडियो में जो हर एक पाइल के साथ जो एडवाइजेस जुड़ी होती हैं वो एडवाइजेस आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो पैनिक नहीं करना है। आप मेरे चैनल पे जाके दूसरा कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की, फिर पिंक पाइल की और उसके बाद वाइट पाइल की। तो हम अपने और दो पाइल्स को थोड़ा हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगर देखते हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, अपने वर्क लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी चीज़ों में, वर्क जोन में, फैमिली की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हों और वर्क कर रहे हों, क्योंकि उनको चीज़ें कंप्लीट करनी है। ओके, एफर्ट की एनर्जी है, ओवर एफर्टफुलनेस की एनर्जी है। ओके, सो उनके करंट फीलिंग्स में एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि वो अपने आप को थोड़ा डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो रही हो जिसमें उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा हो, आप कोई ऐसी बात उनसे पूछ रहे हो या किसी ऐसे चीज़ पे आपको शक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में निकल के आई हैं, जो आपको पता चली हैं, जिसके बारे में आपको आइडिया लगा है, मे बी कि आपके पास कुछ प्रूफ्स भी हों। तो आप जब उनसे पूछते होंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते होंगे। ओके, ये काफ़ी रिलेशनशिप के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत स्ट्रांग विल रखा है आपके पार्टनर ने, तो जो लोग ब्लॉक हैं उनको ये देखने को मिल रहा होगा कि वो ब्लॉक ही हैं, नहीं आ रही है रिप्लाइज, नहीं आ रहे हैं कॉल्स। मे बी आप सारे तरीके से इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, सारे तरीके से आप कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात करने को रेडी हो जाए, मगर इनका जो विलिंगनेस है बात करने का वो काफ़ी कम है। तो अपने वर्क लाइफ में ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है, मगर अगर रिलेशनशिप के टर्म्स में चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। एग्रेसिव हो सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, एक्सेसिव बिजी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज आपने कोई बात बोली तो उस पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर आप ब्लॉक हो तो ब्लॉक ही रहोगे। एक इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पे कि एक पर्सन अपने साइड पे ही खड़ा होता है, नो मैटर आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। किसी किसी के पार्टनर यहाँ किसी न्यू रिलेशनशिप, किसी न्यू वर्क, किसी न्यू सराउंडिंग को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं,
ओके, जिसमें उनका काफी इंथुजियाज्म है। ओके, रिलेशनशिप को इस टाइप के लोग थोड़ा इजी गोइंग वे में लेते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी इजी गोइंग टाइप की होती है। तो जो एफर्ट आपको दाएं बाएं की जगहों में दिख रहा है, जो आपको और जोन्स में दिख रहा है इनके साइड से, वो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में मिसिंग लग रहा होगा। ये चीज़ आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकती है, ये चीज़ आपको ऐसा फील करा सकती है कि डूड आई एम इन रिलेशनशिप विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो तुम मेरे ऊपर एफर्ट्स भी थोड़ा डाल लो। जितनी तुम्हारी वर्क की एनर्जी है, परिवार वालों के लिए भी तुमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, दोस्तों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, मगर रिलेशनशिप को थोड़ा ईजिली ले रहे हैं। अब ये चीज़ें दो रीज़न से होती हैं। एक रीज़न होता है जब आप किसी रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हो, और दूसरा जहाँ पे इंसान को पता होता है कि रिलेशनशिप तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रहेगा ही, तो वहाँ थोड़ा इंसान ईजी गोइंग सा हो जाता है। ओके, तो ये एक फैक्टर है जो मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन के अंदर एक अमेजिंग आइडिया, एक न्यू बिगनिंग, ओके, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, फ़न टाइम्स नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में थोड़ा फ़न करने में इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा इंथुजियास्टिक होंगे, डिस्कवरी करना चाहते होंगे और कहीं ना कहीं फ्रीडम को सीख कर रहे हैं। ओके, अब कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनको पता है कि उनके पार्टनर के लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है, तो हाँ कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है जो कि, अब ये वाली चीज़ हर एक बंदे के लिए फॉलो नहीं करती है, ये चीज़ उन लोगों के लिए फॉलो करती है जिनके रिलेशनशिप में कोई है, क्योंकि ये पर्सन एग्जिस्टिंग है, ये पर्सन कोई नया नहीं है। ओके, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो है, नहीं, ये पर्सन है, पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपके पार्टनर लुक फॉरवर्ड कर रहे हों, जिससे वो बात करने में इंटरेस्टेड हों, जिसके साथ इनकी कमिंग टाइम में कोई बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रही है, या हो सकता है कि बॉन्डिंग हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे रिवील की भी एनर्जी है। तो आपको पता है, आपको आइडिया है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ मेरे बिहाइंड द बैक हो रहा है, जिसको आप फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल भी हुए थे या होगे या हुए हो। ओके, सो ऑफकोर्स देर इज अ पर्सन इन दिस होल सिनेरियो, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, इनका कोई कलीग हो सकता है। अब ये देखिए, ये लड़कों के लिए भी है, ये लड़कियों के लिए भी है। ओके, सो कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर की बॉन्डिंग बन रही है। ओके, सो इस पर्सन के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती जा रही है, वो दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक बात हो रही होगी। ओके, सो आपस में एक बात, एक अंडरस्टैंडिंग, एक पीसफुलनेस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस सिचुएशन के भी वजह से, ओके, यहाँ पे दो सिचुएशंस बनते हैं। किसी के तो पार्टनर जेन्युइनली वर्क में बिजी हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी हैं, जिसकी वजह से इनका टाइम वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर बॉन्डिंग्स में बिजी हैं। ओके, न्यू बॉन्डिंग्स, न्यू रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, या किसी ऐसे सिचुएशन में रहना जहाँ पे वो आपको टाइम ही ना दे पा रहे हैं। तो एक नेगेटिविटी मुझे यहाँ से भी नज़र आ रही है, वो जो चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज़ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये चीज़ ये पर्सन क्यों कर रहा है, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में होती आई हैं, जो आपको इंट्यूटिवली भी फीलिंग आती है, क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपको वहां तक ले जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, ऑल्दो अभी एज ऑफ नाउ रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, अभी कोई दिक्कत नहीं है मेजर, अभी प्रॉब्लम्स हैं बट अभी उतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, तो आप उस प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में रह सकते हो। मगर आने वाले टाइम में चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास 10 of Wands का कार्ड है, तो चीज़ों को कंटिन्यूस रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, काफ़ी पैनिक कर सकता है पर्सन, आप काफ़ी पैनिक कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब इस रिलेशनशिप को मैं चलाऊँ कैसे, आगे किस तरीके से बढ़ाऊँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और तब वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर कोई आपसे लड़ाई कर रहा है और आपने इसको एक्सपेक्ट किया है, ओके, तो आप फिर भी उसके लिए एक बेटर प्रिपेयर्डनेस ला सकते हो अपने अंदर। मगर अगर आपने कोई चीज़
एक्सपेक्ट ही नहीं की हो और वो चीज़ आपके साथ हो जाए, तो आपको खुद भी नहीं समझ में आता है कि आपको एक्ट कैसे करना चाहिए, आपको बिहेव किस तरीके से करना चाहिए। ओके, तो उससे आप काफ़ी हैरान परेशान हो। किसी न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पे इसलिए भी दिख रही है क्योंकि जो चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, रिवील की एनर्जी, बिजी रहने की एनर्जी, नई बात करना है, एफर्ट्स लेने से भी नहीं देखना है, अपने लाइफ में मग्न रहना है, दूसरे ही डायरेक्शन को फॉलो करते रहना है, तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं उसके वजह से मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ, बट अभी भी ये चीज़ों को कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आप लोगों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता था, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था और सडनली वो आपकी बात सुनना बंद कर दे, सडनली वो पर्सन आपकी बातों को वैल्यू देना बंद कर दे, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपके पार्टनर का कनेक्शन फाइनेंशियल भी हो, मे बी फाइनेंशियली वो लोग कनेक्ट ऑफिस के मेट्स हों या बिजनेस पार्टनर्स हों या जिसके साथ वो वर्क कर रहे हों, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग है और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग नहीं है, कमिंग टाइम में हो सकता है। ओके, कमिंग टाइम में पॉसिबिलिटी है होने की। दूसरी बात जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये भी है कि देखिए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप एज इन कोई अफेयर ही हो। ओके, कभी कभी ये भी होता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई और दूसरा नया पर्सन हो या कोई फैमिली का पर्सन हो जिसके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हों, और तो आपको कहीं कहीं से पता चल जाता है। ओके, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर भी करना चाहते हो, अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी देखना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने पड़ जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा ये क्या चीज़ हो रही है। ओके, ऑल्दो एक डिवाइन चीज़ है, मे बी आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से आ रहे हो या आपका रिलेशनशिप एक ऐसे साइकिल में फंसा हुआ है कि अभी इसके टूटने का टाइम नहीं है, तो अभी ये मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहा है, अभी कनेक्शन रहेगा। चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आने वाले टाइम में क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। अगर आप भी रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं होंगे तो उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं मगर इस रिलेशनशिप को बर्डन समझ रहे हैं, और आप जब किसी चीज़ को बर्डन समझते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस रिलेशनशिप से मैं कब निकलूं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि निकलने की कोई एनर्जी नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें घूम फिर के उसी साइकिल में फंसी हुई हैं। ओके, आपको भी मेंटली क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा एक सर्किल है, चीज़ें जहाँ से शुरू हो रही हैं ना वहीं पे आके ख़त्म हो रही हैं। ओके, जिस पर्सन के थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिज, शादी, इंगेजमेंट, इन सारी चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो इस पर्सन से, या ऑलरेडी इस पर्सन से नियर पास्ट में इनकी शादी हुई हो या हो चुकी हो। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो नेगेटिविटी तो है रिलेशनशिप में, ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिविटी बिल्कुल भी एब्सेंट है, नेगेटिविटी का प्रेजेंस है। और इसमें क्या होता है, देखिए डिफेंस की दो दो एनर्जी है, तो अगर आप कुछ भी बोलोगे ना तो वहाँ सुनने की क्षमता पर्सन की ख़त्म हो जाती है, ये भी डिफेंस, ये भी डिफेंस। ओके, तो वहाँ पे पर्सन अपने आप को ही ऊपर रखना चाहता है, ये चीज़ आपको पता होगी, पर्सन अपने आप को ही ऊपर रखना चाहता है। तो डिफेंस की एनर्जी है, गॉसिप हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है बिहाइंड दी बैक आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में और भी लोग बातें कर रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे बंदे हमारे रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या गॉसिप करने को मिलता है, मगर वो गॉसिप कर रहे होते हैं ऐसा है, वैसा, दिस एंड दैट, जो भी। मगर ये आपके बिहाइंड दी बैक भी बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से ओपिनियन लेना, आपके बारे में बातें करना या आप पे थोड़ा नज़र रखना, ये चीज़ भी इस पर्सन के एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे बिल्कुल भी नज़र रख के नहीं बैठे हैं, या कहीं ये भी आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो।
तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आई, जो भी एनर्जीज मुझे नजर आई वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ओके, तो सब अब मैं आपको जोडियक साइन बता देती हूँ। तो देखिए, वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ऑफकोर्स फायर साइन के होने के चांसेस हैं, तो आप या आपके पार्टनर फायर साइन से बिलोंग करते होंगे, जो कि एरीज लियो सैजिटेरियस होता है। ओके, अगेन क्वाइंस की एनर्जी है तो अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। एंड कप्स की एनर्जी है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। ओके, ऑल्दो कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में थोड़ा विजिलेंट रहें, अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते फिर मैं एक एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो उसे आप वॉच कर सकते हो। मैं आज शाम में आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, ऑल एनर्जीज ऑल साइन एनर्जी चेक, जो भी आपका जोडियक है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी चेक बताऊंगी, तो शाम में आप वो वीडियो भी आके देख सकते हो। ओके, तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। एंड वन मोर थिंग, कि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ भूल गई, यहाँ पे स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है तो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा पिंक पाइल। ओके, सो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले बंदों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर द फूल। सो आपके काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे देख लीजिए, आपके जो पाइल, आपका जो पाइल बना हुआ है उसमें काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए हैं। ओके, जिसमें एक हमारा कार्ड है द फूल का। ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो कर रहे हैं, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फूल की एनर्जी है तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। ओके, पहले तो जो वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आप उनको कितना भी रोकने की कोशिश करो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अगर आप उन्हें बोल रहे हो कि आप ऐसा मत करो, इससे हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इससे हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो चीज़ वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि फूल अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि उनका कार्ड द फूल आया है तो वो बुद्धू हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टाइप की एनर्जी है, इसमें लोग किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों में हो, किसी चीज़ को स्केप करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी इंसान इस तरीके से बिहेव करता है। ओके, किसी चीज़ को अगर पर्सन स्केप करने की कोशिश कर रहा है इसमें ये नेगेटिव होगा। अदरवाइज अगर उनका माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में है, हर एक टाइम टेंशन में रह रहा है, तो इग्नोरेंस जो है वो फूल की ही एनर्जी से आता है। देखिए, मुझे जो लगता है जो पिंक पाइल वाले लोग हैं, ओके, तो जो पिंक पाइल वाले लोग हैं, मुझे जो चीज़ लगती है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। ओके, प्रोटेक्टेड है इन द सेंस कि हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो, या आपने एक मैरिज प्लान इस पर्सन के साथ बना रखा हो। ओके, कहीं ना कहीं आप इन्हीं से शादी करना चाहते हो, या आप से यही शादी करना चाहते हैं। इनके लाइफ का ये सेकंड मेजर रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लाइफ का ये सेकंड मेजर रिलेशनशिप हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में मिलना या किसी इंस्टीट्यूशन में रहना। तो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ओके, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रहना इसकी पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोग भी पिंक पाइल में ही हैं। ओके, सो आपका रिलेशनशिप हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों अलग अलग प्लेसेस पे रहते हो, या फ्रीक्वेंटली आप लोगों को अपना प्लेस चेंज करना पड़ता हो। ओके, तो वो एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग दोनों ने, आपके पार्टनर ने भी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, और आपने भी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चलने की कोशिश करी है। तो एक एफर्ट है जो दोनों के साइड से लिया गया है, मगर अभी जो आपके पार्टनर जिस चीज़ में आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आपको
आप काफी पजल्ड होगे कि क्यों नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर बता सकती हूँ कि ये किसी के इन्फ्लुएंस एनर्जी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसकी एनर्जी चेक करते हैं, और जो लोग पहली बार भी आए वो भी देख सकते हैं, और अगले हफ्ते से इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी की इन्फ्लुएंस में चल रहा है, ये अपने मन मर्जी से जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देख नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए कौन लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है। ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमें हमारे जर्नीज में हमेशा ही रुक रुक के चेक करना चाहिए कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। जस्ट बिकॉज आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रॉप अप करी हैं, उसके वजह से उसके वजह से ये उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, ये उस चीज़ के टर्म्स पे नहीं आना चाहते हैं, ये उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो हम उससे मुंह मुड़ा के चल देना ही प्रेफर करते हैं, जो अभी आपके साथ इस पूरे सिचुएशन में करेंटली हो रहा है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, इनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, नाइन ऑफ कप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हैप्पी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मटेरियल हो, हर एक तरीके का हैप्पीनेस इस टाइप के रिलेशनशिप में होता है। विशेस फुलफिल होती हैं, इस पर्सन को पाके आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मेरी विश पूरी हो गई, इनको आपको पाके ऐसा लगता होगा कि इनकी भी विश पूरी हो गई। फिजिकल प्लेजर्स भी इस टाइप के रिलेशनशिप में रहते हैं। बट अभी ये देखिए, ये रिलेशनशिप आपका बहुत डेप्थ वाला है, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट है, तो आप रिलेशनशिप की एनर्जी को तो डाउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, रिलेशनशिप में कुछ अप डाउन है। आपको इंट्यूटिवली भी ऐसा लगता होगा कि एवरीथिंग इज सो अमेजिंग, बट एक आपके पार्टनर के अंदर एक चीज है कि वो सारी बातें कभी भी किसी को भी नहीं बताते हैं। सो उनके सीक्रेट्स देखने के लिए आपको एक ऐसे लेवल पे जाना होगा जबकि वो आपको चीजें आपसे शेयर करें। तो हो सकता है आपको अभी भी बहुत सारी चीजें ना पता हो। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रीयूनियन का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन तो होगा ही होगा। आपके पार्टनर वाटर एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इन तीन एनर्जीज में से कोई एक एनर्जी पे आपके पार्टनर रन कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में आपने जो दुआ मांगी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ये चीज है। फाइनेंशियली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर का फोकस अपने मनी पे है, बहुत ज्यादा अपने पैसों पे या मटेरियलिस्टिक चीजों पे इनका ध्यान रहता होगा। कहीं ना कहीं इस टाइप के लोग बहुत प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं, इनको बेस्ट चीजें पसंद होती हैं, बेस्ट वे से इनको लिव करना पसंद होता है, एक अच्छे तरीके से ढंग से इनकी चीजें काफी सोफिस्टिकेटेड होती हैं। तो वो सारी एनर्जीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। अब एक चीज जो यहाँ पे है, वो किसी इनकी एनर्जी में वो किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर या किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज ला रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बात इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ बिहाइंड द बैक हो रहा है। नहीं, ये देखिए, आप इनके दोस्त हैं तो आप उनको उनसे बात करने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि दोस्त तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के रहेंगे, आप दोस्तों को किसी की जिंदगी से नहीं हटा सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनसिक्योरिटीज आपके साइड भी हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज और है कि आपके पार्टनर आप पे हमेशा नजर रखा करते थे, तो अभी वो थोड़ा नजर नहीं रख रहे, इसके वजह से भी आपको ऐसा लगता होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, क्योंकि ये आपसे उस लेवल पे चीजें करके रखना चाहते हैं कि आपको हर एक चीज बतानी होगी, हर एक चीज इनसे पूछना होगा, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इन्हें इस टाइप के पार्टनर्स को थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है। अभी वो इनसिक्योर नहीं है, अभी आप इनसिक्योर हो, मगर पास्ट में वो इनसिक्योर होंगे, उन्हें आपके हर एक चीज का हिसाब किताब चाहिए होगा। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा अप डाउन फील कराता है। ये आपको ऐसा लगता होगा
कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके आपसे कुछ छुपा तो नहीं है. ओके, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आई वुड सजेस्ट यू कि लड़ाई झगड़े जो आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहे हैं, जो कि अपेरेंटली हो ही रहे हैं, तो आपको लड़ाई झगड़ों से थोड़ा बचना चाहिए. ओके, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में शक, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों की जगह नहीं है. ओके, इन सारे चीज़ों से अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप को, खुद को फ्रीडम दीजिए. ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक इनसिक्योर टाइप के सिचुएशन में बैठे हो या वो एक इनसिक्योर टाइप के सिचुएशन में बैठे हैं. आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप हैप्पीनेस का सोर्स है. जो चीज़ आपको खुशी देती है उसको आप बार बार परेशान नहीं कर सकते. ओके, उनकी एनर्जीज डिवाइडेड रहेंगी क्योंकि वो थोड़े मटेरियलिस्टिक टाइप के हैं, बट वो भी रिलेशनशिप में हैप्पी हैं और आप भी रिलेशनशिप में हैप्पी हो. और जस्ट बिकॉज कि वो एक अपने ही दुनिया में खोए हैं, इसलिए आप उनका साथ छोड़ दो, ये गलत है. ओके, आपको मैं स्पेशली एक चीज कहूंगी कि अगर आप इनके कोई दूसरे पर्सन, ओके, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, आप लोग का एक फ्रेंड ग्रुप हो, या आपके फ्रेंड्स इनके फ्रेंड हो, या कोई भी पर्सन जो आपको जानता है, इनको जानता है, और उसने आपको कोई बात कही अपने पार्टनर के बारे में, तो 100 बार सोचिए उस चीज़ पे बिलीव करने से पहले. ओके, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि अरे आपके पार्टनर तो ऐसा करें और आपने बात मान ली. कोई भी पर्सन अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसको बिलीव करने से पहले आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपको प्रेजेंट की जा रही हैं, या चीज़ों में कुछ अप डाउन है. क्योंकि अभी आपके रिलेशनशिप में दरार लाने के लिए बहुत कुछ, बहुत बहुत कोई बहुत कुछ बोल सकता है. बहुत ऑल्दो आप इस चीज़ से फाइट करना जानते हो, मगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है. तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है. फ्रीडम रिलेशनशिप को भी चाहिए और माइंड को भी चाहिए नेगेटिविटीज. ओके, अननेसेसरी शक करना, अननेसेसरी बातों का एक इशू बनाना, कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पहले से क्लियर थी, आज आप उन बातों का इशू नहीं बना सकते हो. अगर सपोज आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में चीज़ें क्लियर कर दी थी, अब अगर आप चाहोगे कि वो अपने स्टैंड से दाएं बाएं हिलें, तो वो नहीं हिलेंगे. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगी कि नहीं, आपको अपने स्टैंड को समझना होगा, आपको अपनी चीज़ों को समझना होगा, आपको अपने वे ऑफ ऑपरेशंस चेंज करने होंगे. ये ऐसे नहीं चलने वाला है कि इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में रहे. दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपके रिलेशनशिप में कोई दरार डालने की कोशिश कर सकता है, तो उस पर्सन से थोड़ा बच के रहें. तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपको कोई कुछ अपने आपके पार्टनर के बारे में बोल रहा है, तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा. ओके, आप ये नहीं सोच सकते कि उस पर्सन ने बोला तो वो झूठ क्यों बोलेगा. आपको अपने पार्टनर को ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा. ओके, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हो, दोनों में सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा, और रिलेशनशिप कितने भी प्रॉब्लम्स के साइकिल से जाए, मगर अभी सही हो जाएगा. ओके, तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है. तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ज़ोडियाक साइंस भी मैं आपको बता देती हूँ. उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज शाम में मैं ऑल ज़ोडियाक साइन एनर्जी चेक लेकर के आऊँगी, तो वो वीडियो भी आप शाम में आके देख सकते हैं. लाइक कर लें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें. अगर आप में से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहली जो हमारी एनर्जी है वो कप्स की एनर्जी है, जो कि वाटर साइंस को डिनोट करती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ओके, दूसरी जो हमारी एनर्जी है वो स्वॉर्ड्स की है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अगेन कॉइंस की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं. तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट. जाने से हाँ, लास्ट फायर साइंस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि आपके कार्ड्स में वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है. तो अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं. जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है वाइट पाइल के लिए.
ओके ओके सो आपके कार्ड्स आपके बिल्कुल सामने हैं। वाइट पाइल जिन लोगों ने चुना है, उनके पार्टनर एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड, एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ रहने में बिलीव करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाने में बिलीव करते हैं। इस टाइप के लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली से भी रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। फैमिली वाइज इस टाइप के लोग काफ़ी वेल्दी, रिच, गुड फैमिली से बिलोंग करने वाले, पोजिशन, इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। तो इस टाइप आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी मेजर डिसीजन बहुत अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से सबसे पूछ के करना प्रेफर करते हैं। अगर वो अपने मर्जी की भी करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों से पहले ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही एक डिसीजन को रीच करेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर विजडम की कमी है, मगर हाँ चीज़ें हैं कि वो सबको साथ लेके चलना प्रेफर करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। बट आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के काफ़ी चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी इश्यूज हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनको अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचाना भी पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा। देखिए, अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर कुछ सिचुएशंस में वो अपने आप को सेव नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ही इश्यूज चल रही हैं, हो सकता है आप दोनों के भी काफ़ी झगड़े हो रहे हों, आपका ओपिनियन उनका ओपिनियन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये पर्सन अपने गट फीलिंग से एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं। हो सकता है इनका गट फीलिंग इनको किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा हो, ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, इनकी अंतरात्मा इनको कुछ और कहना चाहती हो और ये किसी और डायरेक्शन में जाने में प्रेफर कर रहे हैं। फॉलो करते हैं रूल्स को, सारे ही रूल्स को फॉलो करना प्रेफर करते हैं। स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन है। अब देखिए, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो 4 घंटे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल हैं, अगर उन्होंने पूजा नहीं की तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। एक पर्सन जो अपने मन से साफ है, डिवाइन के रूल्स को फॉलो करता है, तो वो एक स्पिरिचुअल पर्सन ही कहा जाएगा। मैनिफेस्टेशन करते हैं, एनर्जीज में बिलीव करते हैं, डिवाइन में बिलीव करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन ही कहा जाएगा। तो करेंटली काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, और प्राइमरली जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वाइट पाइल पीपल के लिए वो ये है कि बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज भी इस पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं। तो ये काफ़ी परेशान होंगे, हैरान होंगे, काफ़ी दुखी रहते होंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, किसी से बात करना प्रेफर नहीं करेंगे, थॉट्स इनके बहुत नेगेटिव होंगे। ये चीज़ें अगर आप किसी से बात करते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन एक नेगेटिव थॉट में जा रहा है, नेगेटिविटी के साइड टर्न कर रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं वो नेगेटिविटी के तरफ हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, घर में प्रॉपर्टी के वजह से लड़ाई होना, किसी मतभेद की वजह से लड़ाई होना। अगर आप दोनों एक दूसरे से एक कनेक्शन में हो, लाइक मैरिड हो या मैरिज में जाने वाले हो, तो आपस में उनकी और आपके फैमिली में इश्यूज होना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। क्योंकि कनेक्शन, ये पर्सन अभी अपने इमोशंस को खुल के नहीं किसी के साथ शेयर कर रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिनको ये अपनी बातें खुल के पूरी तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी परेशान है। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप कहोगे कि मेरे साथ चीज़ें शेयर कर लो, तो वो नहीं शेयर करने को रेडी होंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अग्री ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने पेन में है। आपने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जब आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हो तो आपको समझ ही नहीं आता है कि कौन सी बात बताई जाए और कौन सी बात छुपाई जाए, या किस
पॉइंट से चीज़ों को बताना सही होगा, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा माइंड को इम्पैक्ट करने लगता है. ओके, इस पर्सन को काफ़ी फेलियर टाइप का लगता है. इस हो सकता है कि इनका रीसेंट पास्ट में या अभी इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही हो, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही हो, उनके घर पे लोगों की तबीयत ख़राब हो, और चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रही हैं. ओके, एनजाइटी है, लैक ऑफ स्लीप है, बहुत हर्ट फील करना, तो किसी ऐसे लोगों से लड़ाई होना जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, तो वहाँ पे इनको बहुत हर्ट फील हो रहा है. अगर आपने भी इनसे लड़ाई कर रखी है तो इनको हर्ट फील हो रहा है. ओके, एक बैड साइन है. ओके, एक बहुत ही बैड साइन है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मदर ऑफ कप्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारी ही चीज़ें हैं. तो कोई एक पर्सन जो इनके लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, जो कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इनके लाइफ में चलाना चाहे, जिस पर्सन ने इनका माइंड भी कंट्रोल कर रखा है, और जो पर्सन इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है मगर अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है. मदरली इश्यूज होना बहुत पॉसिबल है, इनका इनकी मदर से या आपका इनकी मदर से. ओके, अगर इनकी मदर या आप, या हो सकता है कि आपकी मदर से इनके इश्यूज चल रहे हों, या आपके मदर और इनके मदर के बीच में इश्यूज चल रहे हों, फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स में इशू चल रहे हों. ओके, दूसरी बात ये है कि अगर इस पूरे सिचुएशन में आप चीज़ें देखते हो तो ये पर्सन अपने मदर के लिए बहुत गुड इमोशंस रखते हैं. ये अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ही अपने मदर्स के लिए गुड इमोशन और गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग रखना चाहिए. ओके, अगर किसी किसी केस में किसी पर्सन की मदर नहीं है, ओके, तो उस केस में वो लोग भी हो सकते हैं जैसे जो जो किस उनके मदर के एज के हों, लाइक चाची, किसी की बड़ी बहन जो एक मदरली टाइप एज में हो, 45 प्लस में हो या 40s अराउंड में हो, तो ये टाइप का ऐसा पर्सन भी हो सकता है. उनकी लाइफ काफ़ी उलझी हुई है अभी. ओके, तो अगर अभी आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम्स छोटी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगे. तो अभी आपको कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चला जाए, जहाँ तक हो सके रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स अभी के लिए करके चला जाए. अब एडजस्टमेंट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप गलत चीज़ों पर भी एडजस्ट कर रहे हो, मगर जो सही चीज़ें हैं जहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो वहाँ पर आप ज़रूर थोड़ा अभी एडजस्ट करके चलो, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम इनको छोड़ ही नहीं रही है. यहाँ नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं. ओके, बहुत ज़्यादा. हो सकता है इस पर्सन के फैमिली में कोई एनर्जी प्रैक्टिशनर हो या किसी एनर्जी प्रैक्टिशनर के पास जाता हो. ओके, जो कि मंत्र चैंटिंग, टोना टोटका या इन सारी चीज़ों को करता हो. ओके, तो इस वजह से भी आपके पार्टनर की लाइफ काफ़ी अपसाइड डाउन है. ओके, ऑल्दो जो भी ये प्रोटेक्टेड है, जो भी थोड़ी एनर्जीज हैं जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में चीज़ें फिर से करेक्ट हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी के वजह से है. थोड़ा पर्सन ये प्रोटेक्टेड है, मगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं. ओके, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, जो उनके डिसीजंस को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस की एनर्जी है. इनके बिहाइंड द बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए इस पर्सन को विजिलेंट रहना पड़ेगा. अगर ये विजिलेंट नहीं रहते हैं और सोचते हैं कि सब अच्छा है, सब कुछ सही है, कोई मुझे क्यों ही चीट करेगा, कोई मुझे क्यों ही गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी. ओके, आप एक पर्सन हो जो इस पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो, और ज़्यादा पीपल इनके लाइफ में ऐसे नहीं हैं जो एक्चुअल में पॉजिटिव हैं, मगर आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि आप एक्सपोज कैसे करो, आप इनको दिखाओगे कैसे कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं.
या उनके साथ जो चीज़ें की जा रही हैं वो गलत की जा रही हैं। तो वो दिखाने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आप समझ रहे हो। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। कोई अपने इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे इस पर्सन के डिसीजंस को लेना, या इन्फ्लुएंस करना डिसीजंस को, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। आपको भी पता है, आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो मगर आप प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इसके कि आप इस पूरे सिचुएशन में बस स्टैंड करो। तो काफ़ी उलझने हैं, इस नेगेटिव एनर्जी के वजह से रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होगा, जिसमें आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर इनके ऊपर नेगेटिविटी है, इसके वजह से ये आपको, आपके रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये एक चीज़ है। ऑल्दो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में चीज़ें करेक्ट हों, आने वाले टाइम में चीज़ें सही हों, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रही है। काफ़ी टसल्स हैं, काफ़ी फाइट्स हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं, झगड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई इनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ऑफिस प्रेशर, वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज इस पर्सन की नौकरी छूट गई हो जिसकी पॉसिबिलिटी बनती हो, बिजनेस डूब रहा हो या बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रही हो, उससे नेगेटिविटी आने के चांसेस बनते हैं। तो ये पर्सन इतने प्रॉब्लम्स में है कि ये बिल्कुल परेशान है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। ऑल्दो आपको इनके साथ स्टैंड लेना चाहिए और अभी अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अपने साइड से नहीं, इनके साइड से लेके चलना चाहिए। इनको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। रिलेशनशिप में कमिंग टाइम में पॉजिटिविटी आ सकती है। अभी के लिए रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आपको साइंस बता देती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग होने की वजह से आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाके कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो वॉन्ट्स की एनर्जी है एरीज लियो सैजी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कप्स की एनर्जी है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस होने के चांसेस हैं। तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज शाम में मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके लिए, ऑल साइन एनर्जी चेक, तो आप वो वीडियो भी शाम में आके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।